ऑनलाइन स्टूडेंट मेरा आवाज आ रहा है? ओके ओके वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक विल जस्ट रिवाइज टुडे द व्हाट एवर पार्ट वी लर्न, क्योंकि कुछ लोग नए हो सकते हैं. एंड देन आज हम पहला टॉपिक चालू करेंगे न्यूमेरिकल का, जिसका नाम है जीएसटी. ओके सबसे पहले एक मिनट ओंकार. अकरावीची बुकलेट लिस्ट बघून द्यायला सांग मॅमला सगळ्या. आप भी आंसर दे सकते हो. हाँ, जो भी पूछूंगा वो. जाता ना दे, काही प्रॉब्लम. हाँ, आठ जाते हो, बुकलेट कलेक्ट कर लेना बेटा, नोट्स. अगर कोई पुणे के बाहर से है तो उस केस में बेटा आप आपका एड्रेस भेज देना, कुरियर हो जाएगा बुकलेट. नोट्स आ चुके हैं एकदम कलरफुल. विच ब्रांच वी हैव टू गो टू कलेक्ट? एनी ब्रांच बेटा, यू कैन कम हियर ऑल्सो, तिलक रोड और एट सातार रोड. इफ यू आर कमिंग एट सातार रोड, कम टुमारो. तिलक रोड इट इज अवेलेबल टुडे. चलिए बेटा, आपको याद होगा तो हमने बेसिक लेक्चर्स किए हैं इस पूरे सब्जेक्ट के, राइट? एंड बेसिक लेक्चर यानी क्या था? दैट वाज द वोकैबुलरी ऑफ अकाउंट्स. तो आज हम उसको पहले रिवाइज करेंगे. ये जो आपका बुकलेट नोट्स दिख रहा है, ऐसे कलरफुल नोट्स है, ये सारे टॉपिक हमको दिवाली तक कंप्लीट करने हैं. दिस इज योर फर्स्ट टर्म सिलेबस. इसमें का जो एकदम बेसिक एलिमेंट्री टॉपिक होता है, दिस इज द बेसिक टॉपिक. क्या नाम था बेटा इसका? इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो इसमें हमने क्या देखा? अकाउंट की वोकैबुलरी देखी, अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल देखे, सब देखे. तो आज उसको मैं रिवाइज करूंगा. और आप लोग मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इसके रील्स भी बनाए छोटे छोटे, अगर आपने देखे होंगे तो. वो इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, जैसे परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वो वाला है, सारे ही बनाए हुए हैं. तो आप अगर रोज देखते हो तो आपका रिविजन हो जाए, उस हिसाब से ये किया था. तो अभी मैं ये पूरा टॉपिक आने वाले आधे पौन घंटे में रिवाइज कर रहा हूँ, सो दैट वॉट यूर वी लर्न यू कैन ब्रश अप दैट इफ समवन अटेंडिंग फर्स्ट टाइम दे ऑल्सो अंडरस्टूड दिस. ओके, तो सबसे पहली चीज अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इस शब्द के बारे में बताया था. हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा पूरा? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. यू टेल मी वेदर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट. बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटेंसी अलग है, राइट? जैसे अगर किसी को वड़ा पाव बनाना है तो पहले उसका विचार आएगा वड़ा पाव बनाना है, फिर वो आलू लाएगा, बेसन लाएगा, तेल लाएगा, मसाला लाएगा, ये बुक कीपिंग हो गई. फिर उसकी प्रोसेस करेगा, वड़ा तलेगा, वड़ा तैयार हो गया, खा जाएगा, आनंद आ गया, दैट इज अकाउंटेंसी. सो व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? बुक कीपिंग मीन्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, यहीं तक बुक कीपिंग है. फिर उसके बाद उसकी समरी बनाना यानी ट्रायल बैलेंस, फिर बिजनेस के रिजल्ट निकालना, दैट इज अकाउंटेंसी. सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आर डिफरेंट. किसने, किस व्यक्ति ने इसका ये किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947. नहीं, कौन है फिर? लुकाडी बार्गो पैसिफिक के एक व्यक्ति ने यह किया था, जो कहां का था बेटा? इटाली में था. और कब किया था? अब भी परसों, 1494. 600 साल पुराना सब्जेक्ट है ये, इसलिए इसके प्रिंसिपल, इसके वर्ड्स बहुत सारे लैटिन लैंग्वेज में आते हैं. डेबिट वर्ड हम अगर इंग्लिश में ढूंढेंगे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, बट इट इज डेबॉर से बना डेबिट, तो वो वहां से बने, वो लैटिन वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, ठीक है? सो दैट इज बुक कीपिंग. फिर इसकी डेफिनेशन किसने बताई थी बेटा?
आरएन कार्टर, वो क्या बोलता है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली विच इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ। कोई भी चीज जो पैसों में गिन सकते हो उसको आप रिकॉर्ड करिए प्रॉपरली, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। फिर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस देखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, ये सब चिल्लर थ्योरी का पार्ट था। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, द कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट। तो मैं डायरेक्टली पहले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जिसपे हमारी पूरी जिंदगी चलने वाली है। इसका नाम क्या है बेटा, ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन स्टूडेंट कहीं पे भी आपको लगे डाउट है, यू कैन रेज द हैंड और पुट इट इन द चैट बॉक्स। देखो बेटा, ट्रांजेक्शन के वैसे बहुत टाइप है, पर मैं डायरेक्टली मेन टाइप पे आता हूँ। व्हाट इज इट, द फर्स्ट कैटेगरी इज कैश ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द सेकेंड कैटेगरी बेटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एंड व्हाट इज द थर्ड कैटेगरी बेटा, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट। अब देखते हैं कितने लोगों की मेमोरी अच्छी है या कितने लोग जल्दी से ग्रास्प कर पाते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं समझा तो कल से कुछ भी नहीं समझेगा क्वेश्चन में, ठीक है। और बेटा एक फोर्थ कैटेगरी, जो आप अकाउंट दुनिया का एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी नहीं लिखने को 2 मार्क मिलते हैं। व्हाट इज इट, नो ट्रांजैक्शन। तो कभी कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे वहां पे कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोलना, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के लिए एक्सचेंज होना चाहिए, पैसों में गिनते आना चाहिए, एक पार्टी को बेनिफिट, दूसरे पार्टी ने बेनिफिट दिया हुआ होना चाहिए, देन ओनली इट इज अ ट्रांजेक्शन। तो हम आज जरा रिवर्स चालू करते हैं। मैं आज ही आपके कॉलेज का पेपर डिक्लेयर करता हूँ। ये जो 3 ट्रांजेक्शन मैं लिख रहा हूँ बेटा, इसमें से एक पक्के से एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, 500% आएगा। और वो आने के बाद अगर आपने उसका आंसर लिख दिया तो 0 मार्क, नहीं लिखा तो 2 मार्क। इट इज कॉल्ड नो ट्रांजेक्शन। तो कौन से होते हैं पहले वो देखते हैं, एंड देन वी स्टार्ट द रिमेनिंग वन। वो होते हैं बेटा गुड्स, गुड्स यानी चीजें, ऑर्डर्ड फॉर ₹10,000 टू रामू। रामू को बोला कि भैया 10,000 के गुड्स भेज दे। बोलो ये ट्रांजेक्शन है या नहीं है। ऑनलाइन वालों आप भी बोल सकते हो, है या नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है बोलो बेटा, सिर्फ ऑर्डर दिया। अभी देखो क्लास छूटा, आप तिलक रोड पे हो, एक कपड़े के दुकान में गए और बोला कि भैया ये टी शर्ट बहुत अच्छा है। उसने बोला कितने का है, आपने बोला, उसने बोला ₹500, आप बोले अच्छा। फिर उसने आपने साइज देखा, अरे ये तो एल साइज का है, मुझे तो मीडियम या स्मॉल चाहिए। उसको बोला अंकल मेरे लिए मीडियम मिल जाएगा। बोला मिल जाएगा, कब आऊं, कल आऊं, खत्म। तो आपने ऑर्डर दे दिया, उसने कुछ एडवांस लिया गया नहीं, उसने कुछ अभी बेचा गया नहीं, तो इज इट ट्रांजेक्शन, यस और नो। तो अगर आपके एग्जाम में ये आ गया तो इसके आगे क्या लिखना, इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। तो इसकी एंट्री होगी क्या, और अगर इसकी एंट्री की तो 0 मार्क, और नहीं की तो 2 मार्क। है कि नहीं भारी सब्जेक्ट। और एक दूसरा बोल दो, 3 ही ट्रांजेक्शन होते हैं जो ट्रांजेक्शन नहीं है, बाकी सारे के सारे ट्रांजेक्शन। तो जो नहीं होते वो बता दिया, विषय खत्म अपना, है कि नहीं, जिंदगी भर के लिए। दूसरा होता है अपॉइंटेड रामू एज अकाउंटेंट फॉर मंथली सैलरी ऑफ ₹1 लाख। रामू को 1 लाख रुपए सैलरी के लिए दुकान पे रख दिया है अकाउंटेंट। बोलो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है बेटा, क्यों नहीं है बोलो। हमने खाली बोला भाई तू आजा नौकरी पे, उसको नौकरी पे रखा है, सैलरी दी क्या, कुछ एडवांस दिया क्या, कुछ एक्सचेंज हुआ क्या। वो खाली आज से अकाउंटेंट है, उसका सैलरी 1 लाख है, तो इसमें कुछ एक्सचेंज हुआ, बेनिफिट गया आया, किसी ने दिया किसी ने कुछ लिया, नहीं, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। हैव यू अंडरस्टैंड। और लास्ट वाला होता है ये, अभी समझो नीचे सुप्रीम सैंडविच वाला है, उसने क्या किया, अभी क्लास खत्म होते ही गेट पे खड़ा हो गया और आप सभी को कह के उसने कह के एक एक सैंडविच दे दिया आप सभी को। तो बोल दो, अभी मैं लिखता हूं रिसीव्ड फ्री गिफ्ट, आपको सबको एक एक ₹100 वाला सैंडविच मिल गया। तो आप मुझे बताओ बेटा ये ट्रांजैक्शन है या नहीं, फ्री गिफ्ट या सैंपल्स मिले, उसने सैंपल्स दिए, सैंडविच खा के देखो, क्यों नहीं है बेटा ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, एक्सचेंज हुआ है क्या, नहीं। बोल दो एक्सचेंज हुआ है सैंडविच का, पर आपके लिए उसकी वैल्यू क्या है, 0। अच्छा मुझे बताओ सुप्रीम सैंडविच वाले के लिए ये ट्रांजेक्शन है या नहीं है, है, क्योंकि उसको थोड़ी फुकट में आएगा, रास्ते में थोड़ी मिल रहे हैं उसको, उसको खर्चा करना,
फॉर हिम इट्स अ ट्रांजेक्शन, इट्स अ एडवर्टीजमेंट, बट फॉर यू इट्स वैल्यू इज वॉट जीरो, इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन. इज दिस क्लियर? चलो अब मैं आता हूं तीन कैटेगरी में, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. एक चीज याद रखो बेटा, दुनिया के मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 90% कौन से हो गए? कैश ही हो गए, कैश ही हो गए. पर अगर ट्रांजेक्शन में आप कुछ खरीदी बिक्री कर रहे हो, सेल या परचेस कर रहे हो, याद में रखना सेल या परचेस कर रहे हो, और अगर पार्टी का नाम दिया है तो ही उसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोलोगे? क्रेडिट. और ये तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ पैसा आया कुछ बाकी है, दैट इज कॉल्ड पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. अब मैं आपको तीन एग्जाम्पल देता हूं, आपको याद करना है मैंने जो सिखाया था, पीछे नहीं भी याद आया तो अभी देख लो. देखो पहला लिख रहा हूं मैं, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 10,000, 10,000 रुपए की चीजें बेची है. बोलो बेटा ऑनलाइन वालो ऑफलाइन वालो, विजया वैष्णवी बोलो, कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश है, कैश है. क्यों कैश है बेटा बोलो? इसमें किसी का भी नाम नहीं है, राइट? वेरी गुड. अब देखो सेम ट्रांजेक्शन रिपीट कर रहा हूं, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 10,000 टू रामू. बोलो बेटा क्रेडिट ट्रांजेक्शन. कैसे पता चला बेटा क्रेडिट ट्रांजेक्शन? पार्टी का नाम, दुकान का नाम, बिजनेस का नाम, व्यक्ति का नाम दिया तो इसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोलना बेटा? क्रेडिट यानी उधारी पे दिया. रामू को हमने गुड्स बेचे पर पैसे बाद में आने वाले हैं. इसमें रामू को गुड्स बेचे और पैसे आ गए क्योंकि रामू नाम ही नहीं है, इसको बेचा नाम ही नहीं है, यानी कैश ट्रांजेक्शन. बराबर है? अब देखते हैं आपको कितना दिमाग है. तीसरा, गुड्स, अच्छे से देखो, थोड़ी तो इंग्लिश आनी चाहिए अकाउंट में, राइट? गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 10,000 टू रामू एंड रामू पेड रुपीज 10,000 बाय जी पे. रामू का नाम आया है पर ये कौन सा ट्रांजेक्शन है बोलो? कैश है. कैसे क्या पता चला बेटा? कैश. आपका आंसर एकदम बराबर है. क्यों? जीपे भले ही रामू का नाम आया पर उसने पैसा दे दिया है. कैसे दिया है बेटा? जीपे से दे दिया. सो इट इज विच ट्रांजेक्शन बेटा? कैश. जीपे से पैसा आया, चेक से आया, फोन पे से आया, व्हाट्सएप पे से आया, अमेजोन पे से आया, कैश आई, गांधी जी आए, डॉलर आए, कुछ भी आया, इट इज विच ट्रांजेक्शन? कैश. अब देखते हैं किसको आंसर आता है. फोर्थ वन, गुड्स सेम ट्रांजेक्शन. देखो ये ग्रामर चल रहा है हमारा, गुड्स सोल्ड. ये सेम लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगा, याद से रिवाइज कर लेना. गुड्स सोल्ड टू रामू रुपीज 10,000 एंड ही पेड 6,000 बाय चेक. रामू को 10,000 के गुड्स बेचे, उसने 6,000 रुपए का चेक दे दिया. बोलो. यस, वेरी गुड जगताप. पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. बोल दो क्या हुआ? 10,000 की चीज बेची, उसने 6 दिए, पूरे 10 दिए क्या? पूरे 10 देता तो कैश, पूरे 10 नहीं देता तो क्रेडिट. पर 10 में से 6 आए यानी 4 अभी भी आना बाकी है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. अब देखते हैं कितने लोग नहाके ऑनलाइन और ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं. तैयार हो? तैयार हो क्या? चलो देखते हैं नंबर 5, क्योंकि ये ऐसे 1,000 एंट्री करना है अपने को इस साल, इसलिए अगर ट्रांजेक्शन ही पता नहीं चला तो मर भी जाओगे तो अकाउंट नहीं आएगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास चालू है. देखो सैलरी पेड रुपीज 5,000. बोलो बेटा कैश 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 कैश. वेरी गुड. ऑनलाइन वाले दोनों बेटा आंसर. देन अब देखते हैं कौन नहाके बैठा है आज कंप्यूटर पे मोबाइल पे. देखो सैलरी पेड रुपीज 5,000 टू रामू. सैलरी पेड रुपीज 5,000 टू रामू. बोलो. ओम बोलता है क्रेडिट. ये कैश कैश. बोलो बेटा कैश है या क्रेडिट? आप में से किसी को क्रेडिट लग रहा है क्या? ये
रामू के कारण लग रहा है तो आप एक नंबर के गधे हो, क्योंकि बेटा यहाँ पे कुछ सेल परचेस हुआ है क्या? मैंने क्या बोला भैया? सेल परचेस हुआ तो ही देखने का पार्टी का नाम है, बाकी कभी भी देखने की जरूरत। हर ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैश। सेल परचेस है क्या? किसी को पगार देना है ना, सेल परचेस है क्या? रामू को खरीदा बेचा क्या आपने? नहीं। सो इट इज विच ट्रांजेक्शन? कैश। कैश मन में क्रेडिट है तो मन में ही रखो। हैं? और एक देखते हैं, चलो कितने लोगों को आता है। और दो देखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 5,000, 10,000। बोलो बैंक में कैश भरी, बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश। ए नो ट्रांजेक्शन देवा, ए फुल BMW बेसिक में बांधे। अरे बैंक में कैश भरी, बोलो कैश ट्रांजेक्शन। अरे कितना इजी है। अब देखते हैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का नाम दे दिया, बोलो। फंसाने के लिए दे रहा हूं, ये भी कौन सा है? क्या है? बैंक के नाम से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हमारा सेल परचेस हो रहा है क्या? नहीं। तो इट इज ऑलवेज विश ट्रांजेक्शन कैश। वेरी गुड। फिर बेटा अभी अकाउंट के एक 20 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको रिवाइज करते हैं। आपको कितना याद है, या जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, और फिर डायरेक्टली हम सीखेंगे GST। तो देखा बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है अकाउंट के लिए, आपको समझने के लिए मैंने सिखा दिया ट्रांजेक्शन। दूसरा वर्ड है बेटा गुड्स। बोलो गुड्स यानी क्या? गुड्स यानी क्या पब्लिक? बोलो। जो हम दुकान में चीजें बेचते हैं, माल बेचते हैं, आर्टिकल कॉमोडिटीज इन विच बिजनेसमैन डील्स इज कॉल्ड एज गुड्स। अभी आप मेडिकल दुकान में गए तो उसको बोलोगे क्या 5 किलो शक्कर दे? उसके पास मेडिसिन रहेगी, सो मेडिसिन आर गुड्स। या किराना दुकान में गए उसको बोलेंगे क्या, भैया तेरा ये वजन का काटा और दो मोबाइल और तेरा फ्रिज दे दे, देगा क्या वो? उसके वो गुड्स है क्या? नहीं। तो उसको किराना गुड्स मांगोगे। तो गुड्स मीन्स एनी आर्टिकल कॉमोडिटी इन विच बिजनेसमैन डील्स, दैट इज कॉल्ड गुड्स। अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स के बाद, दैट इज व्हाट? एसेट। बोलो बेटा, एसेट वर्ड 1,000 बार 1,00,000 बार आने वाला है। व्हाट इज एसेट? एनीथिंग विच हैज अ वैल्यू, बिलोंग्स टू बिजनेस इज कॉल्ड एसेट। तुमची मालमत्ता, तुमची प्रॉपर्टी, तुम्हाला जे येणं आहे, जे जे काही बिजनेस आहे त्याला काय म्हणतात बेटा? एसेट। तो अभी बोलो इस क्लासरूम में आपको क्या क्या एसेट दिख रहे हैं? ऑनलाइन वाले आप भी बोल सकते हो। बोलो। टीवी दिख रहा है, वेरी गुड। और कंप्यूटर दिख रहा है, और कैमरा है, राइट। एसी है, राइट। ये आईपैड है, राइट। मेरे जेब में 10,000 रुपए, राइट। सो दीज ऑल आर माई एसेट। आपसे पैसा आना है, वो भी क्या है बेटा? एसेट। ओके, बेंच दिख रहे तुमको? ओके। अभी मुझे बताओ आपके पास क्या क्या एसेट है बेटा, अभी घर में या आपके पास? ऑनलाइन वाले बोलो, इन्वॉल्व हो बेटा तो मजा आएगा। फोन है, वेरी गुड। फिर बुक्स है, वेरी गुड बेटा। वाईफाई, वाईफाई कैसा एसेट? वाईफाई का राउटर एसेट हो सकता है। हाँ बोलो। हाँ, गाड़ी है एसेट है, हाथ में घड़ी है एसेट है, चश्मा पहना है तो चश्मा एसेट है, बैग एसेट है, बराबर है, चप्पल एसेट है, आपकी खुद की होगी तो, राइट। सो दीज ऑल आर व्हाट बेटा? एसेट। वेरी गुड। अब बच्चा लोग एसेट के कितने टाइप थे? तीन। पहला होता है फिक्स एसेट, दूसरा होता है करंट, और तीसरा होता है, बोलो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी पढ़ाई किया। तो मुझे लगा सब भूल गए, सुबह की बैच में किसी को कुछ नहीं आ रहा था 8 बजे। चलो, फिक्स एसेट यानी कौन से एसेट बेटा? जो फिक्स होते हैं उसको फिक्स बोलते हैं, जो फिक्स नहीं होते उसको करंट बोलते हैं, और जो फिक्स करंट दोनों नहीं होते उसको फिक्टिशियस बोलते। गधे कहीं के, बोलो उत्तर। हाँ बोलो। फिक्स यानी क्या? जो बिजनेस में सालों साल पड़े रहते हैं उसको कौन सा एसेट बोलते हैं? फिक्स। अभी इस क्लासरूम में बेंचेस 5 साल से है, एसी क्या की 3 साल से है, ये कंप्यूटर 2-3 साल से, दीज ऑल आर व्हाट बेटा? फिक्स एसेट। आपका घर आपके लिए कौन सा एसेट है? घर का फ्रिज, टीवी क्या है? फिक्स एसेट। गाड़ी क्या है बेटा? फिक्स एसेट। अब करंट एसेट यानी क्या? विच कैन बी कन्वर्टेबल इन टू मनी विथ इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको कौन सा एसेट बोलते हैं? करंट है। दुकान में रखा हुआ स्टॉक फिक्स एसेट है या करंट एसेट?
वो फिक्स हो गया तो भिख मांगना पड़ेगा, है कि नहीं? स्टॉक मूविंग होना चाहिए ना, तो करंट, आप लोगों से मुझे पैसा आना है, कौन सा असेट है? करंट इसी साल दोगे ना, मेरा बैंक में पैसा है, दुकान में पैसा है, कौन सा असेट है? करंट फिक्स नहीं है, करंट एफडी के लिए तर फिक्स असेट बेटा, अशेज अकाउंट मध्ये पैसे ते कमी जास्त होता, तो कौन सा असेट है? करंट। और फिक्टिशियस यानी क्या? जो असेट तो है पर उसकी वैल्यू नहीं है, बट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग रूल वो असेट बन गया, उसको कौन सा असेट बोलते हैं? फिक्टिश। कोई लॉन्ग टर्म खर्चा कर दिया आपने, बहुत साल तक उसको राइट ऑफ कर रहे हो, तो उसको कौन सा असेट बोलते हैं? फिक्टिशियस। अब एसेट के बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड है लाइबिलिटी। कौन सा वर्ड है बच्चा लोग? लाइबिलिटी यानी क्या बेटा? जो देना लगते हो। एसेट यानी क्या बेटा? जो आना लगता है। सो लाइबिलिटी। तो अभी लाइबिलिटी में तीन कैटेगरी है बेटा, बोलो। फिक्स लाइबिलिटी, हाँ, और यहाँ पे फिक्टिशियस नहीं होती है, क्या नाम होता है? कॉन्टीजेंट। अब बेटा समझो ये क्लासरूम की वैल्यू 5 करोड़ है, इसके लिए मैंने 2 करोड़ लोन लिया 10 साल के लिए, तो वो मेरी कैसी लाइबिलिटी हो गई? फिक्स लाइबिलिटी, बहुत पुरानी है, बहुत सालों तक चलने वाली है, राइट? इट इज विच लाइबिलिटी? फिक्स। आपने आपके दोस्त से रुपए लिए 1 लाख और उसको बोला 5 साल बाद दे दूंगा, कौन सी लाइबिलिटी है? फिक्स। अब जो लाइबिलिटी 1 साल के अंदर सेटल करनी होती है उसको कौन सी बोलते हैं? करंट। जैसे लाइट बिल आया, मैंने अभी तक भरा नहीं, कौन सा लाइबिलिटी है? करंट। मेरे स्टाफ की सैलरी नहीं दी, कौन सा है? करंट। या आपके नोट्स के जेरोक्स निकाले, पैसे नहीं दिए, कौन से है? करंट। और कॉन्टीजेंट क्या होती है बेटा? जो लाइबिलिटी तो है पर कितनी है, कब देनी पड़ेगी पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी, उसको कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं? कॉन्टीजेंट। एग्जाम्पल दो सर, वेरी सिंपल। कॉन्टीजेंट का कैसे दोगे एग्जाम्पल? लाइक समझो बेटा, अनसर्टेनिटी पे जो चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंट। लाइक अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आपकी गाड़ी नो पार्किंग में, मैंने बोला ट्रैफिक पुलिस आया उठा के लेके जा रहा है, अब आपको याद नहीं गाड़ी कहाँ पे थी, उठा के लेके गया तो कंफर्म, नहीं लेके गया तो बच गया, पर अभी के घड़ी में जब आपको नहीं पता तो वो कौन सी लाइबिलिटी है? कॉन्टीजेंट। वेरी गुड। अब बेटा नेक्स्ट होता है कैपिटल। जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ याद आया? जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है? मालक है, वही है ना, थोड़ी ये है पोपटलाल वगैरह, तो ये जेठालाल है अपना, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को चालू करने के लिए पैसा किसने डाला होगा? तो जेठालाल ने जो भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को दिया है वो क्या है बेटा? कैपिटल। अब जेठालाल के पास टप्पू की शादी करने के लिए पैसा चाहिए, उसने बिजनेस से पैसा निकाला, टप्पू की शादी करना बिजनेस की जवाबदारी है जेठालाल की, तो बिजनेस ने बिजनेस से 10 लाख निकाल लिए उसने, तो वो क्या हो गई बेटा? ड्रॉइंग्स। जेठालाल को क्या कि बबीता जी को एक मोबाइल गिफ्ट देना है, दुकान से लेके दे दिया बबीता जी को, ये क्या है बोलो? ड्रॉइंग्स। तो आपके बिजनेस से आप जो पैसा लेते हो, आप जो ड्रॉइंग्स मीन्स यानी कैश लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉइंग्स। कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था बेटा डेटर। व्हाट इज द नेक्स्ट वन बेटा? डेटर। पहले दिन कॉलेज में जाओगे और गधे के वैसा, जो भी लोग इसका उच्चार पे से पहचान लेना, उन्होंने अभी तक क्लास नहीं लगाया, क्या पढ़ेंगे? डेप्टोर। क्या बोलने का इसको? डेटर। तो डेटर यानी क्या बोलो, कुछ याद है क्या डेटर यानी क्या? ओ ऑनलाइन वाले बोलो ना यार, ऐसे अकेले अकेले मुझे छोड़ दोगे कैसा होगा? डेटर वर्ड सुना है क्या? यस ओके, कर्जा देने वाला, अच्छा डेटर। और कुछ बेटा? डेटर भूल गए तुम? आप सब मेरे डेटर हो, बोलो अब डेटर यानी क्या? स्टूडेंट मत बोलना कृपया करके, हाँ बोलो। जिससे हमको पैसा आना है, जिसको अपन ने उधारी पे बेचा है, अपना कस्टमर यानी अपना क्या होता है? डेटर। डेटर को हिंदी में धन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? धन को। इसलिए अकाउंट हिंदी में नहीं सीखने का, मराठी में नहीं सीखने का। डेटर क्या होगा बेटा बिजनेस के लिए, एसेट या लायबिलिटी? एसेट होगा ना, आना है तो यानी क्या? एसेट। अभी डेटर के 3 प्रकार थे, अमर, अकबर, एंथनी, बोलो टाइप कौन से थे? वेरी गुड बेटा, कौन कौन से थे? डेटर को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं बेटा? डेप्टस नहीं पढ़ने का, डेट्स। क्या पढ़ोगे बेटा? डेट्स। तो गुड डेट्स, आगे बैड डेट्स, आगे बच्चा डाउटफुल डेट्स। वेरी गुड।
गुड डेट्स, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, वेरी गुड। बताओ अभी फिर गुड डेट्स किसको बोलोगे? हाँ, जिससे कंफर्म बोल दो अभी इसको। बोला ए बेटा फीस क्या? बोला सर आज भूल गई, कल दे देते हो तो मुझे एकदम चैन की नींद आएगी आज। तो हु इज शी? गुड डेट्स। इसको बोला ए क्या हुआ, जा नहीं देती, क्या करना है कर ले। व्हाट इज इट? बैड डेट्स। इसको बोला बेटा पैसा क्या हुआ? वो बोल रहे सर बघूत ना आता तर आलो आम्ही, आज पप्पा बाहेर गावी गेलेले आहेत, कॉलेज पण चालू आहे, पण देते मी बघूत। बघूत वाले कोण? बहुत बार आप पापा को कोई भी चीज मांगते हो इमिजिएट बघूत, तो आपके मन में पक्का क्या आता है? घेऊन देता क्या ना कोणाला माहित। सो व्हाट इज इट? डाउटफुल। और आपने बोला पापा ये जब चल कल ले लेना बेटा, तो पापा क्या हो गए? कुछ भी मांगा एक कान के नीचे बजा रहे तो पापा क्या बोलेंगे यार? नहीं तो बोलो, बोलने का मतलब ये है कि जो डेटर अपने को कंफर्म पैसा देंगे दैट इज गुड, जो डेटर हमको नहीं देंगे कंफर्म डुबा देंगे बैड, और जिनका पता नहीं क्या करेंगे, जिनके कारण अपने को नींद नहीं आती रातों की, दैट इज व्हाट? डाउटफुल। अब डेटर का अपोजिट वर्ड कौन सा है बेटा? क्रेडिटर। बोलो बच्चा लोग क्रेडिटर क्या? क्रेडिटर यानी वो व्यक्ति जिससे जिसको आप पैसा देना लगते हैं। जैसे अभी आपके नोट्स बनाए उनके जेरोक्स वाले का मैंने बिल ही नहीं दिया तो वो क्या है मेरा? क्रेडिटर्स। इवन मैंने एमएससीबी का लाइट बिल नहीं भरा है वो क्या है मेरा? क्रेडिटर्स। स्टाफ की सैलरी नहीं दी वो भी मेरे इनडायरेक्टली क्या हो गए? क्रेडिटर्स। तो जिनको आप देना लगते हो उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को मराठी में रिंकू बोलते हैं, नहीं रुनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रुनको बोलते हैं। क्रेडिटर्स के टाइप क्या क्या होते हैं? नहीं होते हैं गधे लोग, क्योंकि क्रेडिटर्स को हमेशा गुड ही बोलने का। अपन दुनिया ने अपना पैसा डुबाया, छाती ठोक ठोक के अरे डुबा दिया बोला, अपन ने किसका डुबाया? शांत बैठने का। तो क्रेडिटर्स का कोई भी टाइप नहीं होता। वेरी गुड। अभी बेटा नेक्स्ट वर्ड है इनसे ही रिलेटेड, वो है सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। कुछ याद आया बेटा? अरे देखो सॉल्वेंट इसको बोलते हैं, इनसॉल्वेंट इसको बोलते हैं। कुछ याद आया क्या? अगर आपके एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सॉल्वेंट। बढ़िया, लाजवाब। जेब में 1000 रुपए कोई चीज लेने गए वो सब चिल्लर दो दो बार दे दो बोलने का, फिर जेब में 100 रुपए है वो बोल रहा 1000 निकल के आ गए छुप के, तो आप कौन हो गए? भिखारी। यानी क्या? इनसॉल्वेंट। तो बिजनेस में अगर आपके एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और अगर आपका देना ज्यादा कर्जा बढ़ गया एसेट कम है विजय माल्या बन गए तो आप कौन हो गए? इनसॉल्वेंट। ठीक है, अब नंबर 10 वो क्या है देखो। फिर होता है बेटा ट्रांजैक्शन, जब हम करते हैं तो उनको फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को अपने को कहीं पे लिखना होता है। कहाँ पे लिखते हैं बेटा? अपन एक बुक में लिखते हैं, उस बुक का नाम क्या है बेटा? जॉर्नल। नहीं बोलने का, क्या बोलने का? जर्नल। ये लैटिन वर्ड जॉर से पैदा हुआ। क्या था बेटा लैटिन वर्ड? और जॉर को इंग्लिश में बोलते हैं डेली। तो बिजनेस में जितने भी दिन भर में ट्रांजेक्शन, आज समझो क्लास में 20 लोग आके गए फीस भरी, वो सब कुछ सबसे पहले कहां पे लिखा जाएगा? जर्नल में। तो जब मैं उसको जर्नल में लिखूंगा उस प्रोसेस को बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? एंट्री। आपने फीस भरी, मैम रिसीट बनाती है कहीं पे लिखती है, तो मैम क्या कर रही है? एंट्री कर रही। कब कर रही है? जब आप फीस भर रहे हो। तो ट्रांजेक्शन होते ही जहां पे हम लिखते हैं उस बुक को जर्नल बोलते हैं, और उस लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंट्री या जर्नल एंट्री। क्या बोलोगे उसको? एंट्री या जर्नल एंट्री। पर होता क्या है बेटा, ऐसी लाखों एंट्रीज होती है पर अचानक कभी 2-3 साल बाद देखा तो पता ही नहीं चलती ये किसके पैसे आए थे। तो उसके लिए उस एंट्री का क्या लिखा जाता है? डिस्क्रिप्शन। उस डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं? बोलो। एन लिख दिया मैंने, आगे बोलो नवनीत। नहीं बोलो क्या है? नरेशन। क्या होता है बेटा? नरेशन। नरेशन यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब होता क्या है बेटा, ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, खिचड़ी बन जाती है इनकी। आज दिन भर में 20 अलग अलग स्टूडेंट, कल 20 अलग अलग, साल भर में 5000 लोगों ने 7-8 बार फीस भरी। अचानक ये आ गया, सर बताओ मेरा हिसाब क्या है? मैं परेशान 5000 एंट्री ढूंढ रहा हूँ, तब तक तो इसका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, हर एंट्री को क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ। जैसे आप बैंक में जाते हो, एक बैंक में 10,000 अकाउंट रहते हैं पर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि नहीं? क्योंकि बैंक आपकी क्या मेंटेन करता है? पासबुक।
तो वैसे ही हम हमारे कस्टमर का अलग से, हर एक का अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेडगेर। क्या बोलते हैं बेटा, लेजर। क्या बोलते हैं इसको, लेजर। लेडगेर नहीं पढ़ने का, क्या बोलते हैं बेटा, लेजर बोलते हैं। लेजर यानी अकाउंट। जैसे बेटा आपकी रफ नोटबुक यानी क्या है, जर्नल, और फेयर नोटबुक यानी क्या है, अभी आपके 6 सब्जेक्ट सब एक में ही लिख रहे हो तो आपके जर्नल है वो, और फिर आपने क्या किया, अकाउंट की अलग फेयर नोटबुक कर दी, तो उसमें सिर्फ अकाउंट ही मिलेगा एज्यूम, तो वो अकाउंट की फेयर नोटबुक यानी अकाउंट का क्या हो गया, वो लेजर। तो वैसे अपने बिजनेस में जितने स्टूडेंट है, जितने कस्टमर, जितने क्रेडिटर, जितने एसेट लाइबिलिटी, सबको हम अलग अलग कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, लेजर, या और एक शब्द क्या है उसका, अकाउंट। लेजर कोई क्या वर्ड वो बता, अकाउंट। रमेश का अकाउंट, दिनेश का अकाउंट, राजेश का अकाउंट। सो ए ऑब्लिक सी लिखते हैं, वो एयर कंडीशन नहीं है, वो अपनी हवा खराब करने वाला है, सो दैट इज अकाउंट। ठीक है बेटा। अब जब बेटा मैं, आप जब रफ से फेयर में कॉपी करोगे, बोलते तो जर्नल से कहां पे लिखोगे आप, लेजर में, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा, पोस्टिंग। आपने कॉलेज की रफ नोटबुक से घर के फेयर नोटबुक पे देख के लिखना चालू किया, तो आपने क्या की, पोस्टिंग की। तो वैसे बिजनेस में रमेश, दिनेश, राजेश सबको अलग अलग लिख दिया, तो आपने क्या की बेटा, पोस्टिंग। अब होता क्या है बेटा, अकाउंट चलता है नंबर्स पे, पोस्टिंग होने के बाद हिसाब कंप्लीट करना है तो हमको टोटल करना पड़ता है, तो टोटल करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कास्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा, कास्टिंग। देखो शब्द देखो, पहला ट्रांजेक्शन होता है, उसको लिखते हैं कहाँ पे, जर्नल में। उस लिखने को क्या बोला जाता है, जर्नल एंट्री। उसके डिस्क्रिप्शन को क्या बोला जाता है, नरेशन। वो जर्नल एंट्री कहाँ पे जाती है, लेजर में, उसको क्या बोला जाता है, पोस्टिंग। जब उसकी टोटल की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, कास्टिंग। कितने शब्द सीख लिए हमने। अब नेक्स्ट होता क्या है बेटा, ये सब की टोटल करते समय हमको कभी कभी ऐसे लगता है कि यार कुछ नोट समझ में नहीं आ रहे, वापस रफ नोटबुक में ढूंढना है। इमेजिन करो बेटा, आपकी रफ नोटबुक 500 पेज की है, फेयर नोटबुक 100 पेज की है, इसके एक पेज पे कुछ तो लिखा था जो यहाँ पे लिखते हो समझा नहीं, अब वापस जाके देखना है, कितने पेज देखने पड़ेंगे, उसमें तो एग्जाम खत्म हो जाएगी। पर आपने क्या किया, यहाँ पे लिखते वक्त यहाँ का पेज नंबर डाल दिया, रेफरेंस को पेज नंबर 121 से कॉपी किया है, और यहाँ पे भी लिखते हो कि यहाँ पे लिख दिया कि इसको मैंने पेज नंबर 23 पे लिखा है इसके। अगर ऐसे लिख दिया तो कितना सिस्टमेटिक होगा कि नहीं, आया ना। तो बेटा हम क्या करते हैं बिजनेस में, जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिख देते हैं कहाँ पे लिखा है, और लेजर में जर्नल का लिख देते हैं, उसको बोलते हैं बेटा फोलियो। क्या बोलते हैं बेटा, फोलियो यानी पेज नंबर, फोलियो यानी क्या बेटा, तो जर्नल के पेज नंबर को क्या बोलोगे, जर्नल फोलियो, फिर लेजर के इसको, लेजर फोलियो। इजी है एकदम, पक्का, अरे बोलो कुछ तो। यस, तो बेटा इतने शब्द हमारे अकाउंट में इंपॉर्टेंट है। अब हम सीखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि कल से हमको एंट्री सीखना है। अब आज के बाद कोई भी अब्सेंट है उसका भगवान भी मालक नहीं, फिर उसको खुद का खुद करना पड़ेगा अकाउंट। अब तक अपना क्या था, एकदम बेस्ट टाइम चल रहा था, अब चालू हो गई हमारी दौड़ न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे पहले बच्चा लोग आपको क्या समझना होगा, जीएसटी। ठीक है, अभी ध्यान दो बेटा, आपको पता है फिर भी मुझे आता है कि नहीं देख लो। तो बेटा जीएसटी समझने के लिए आपको सेल के 3 टाइप समझने होंगे, कितने टाइप, 3। एक कॉमर्स के स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद भी पता नहीं होता है, आपको 11th नहीं पता चल रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में, और बायलक मैंने मेरे करियर की शुरुआत 2003 में सेल्स टैक्स सिखाने से ही की थी, तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ये। तो इस पे देखिए बेटा, 3 टाइप के सेल होते हैं। पहला होता है बेटा इंट्रा स्टेट सेल, कौन सा होता है बेटा, इंट्रा स्टेट सेल। दूसरा होता है बेटा इंटर स्टेट सेल, और तीसरा होता है बेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेल। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ए ऑफ पुणे सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ मुंबई। ए ऑफ पुणे ने बी ऑफ मुंबई को या बी ऑफ पुणे को गुड्स सेल किया, मुझे बताओ बेटा दोनों भी कहां पे रहता है, मुंबई भी महाराष्ट्र है, पुणे भी महाराष्ट्र है, तो इसको कौन सा सेल बोलते हैं बेटा, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट। तो इस पे जो भी जीएसटी रहता है बेटा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, आधा स्टेट गवर्नमेंट। समझो बेटा, आप अभी कहीं पे भी दुकान में जाओ, पुणे में
बिल लो तो समझो 5% जीएसटी है, तो 2.5 स्टेट, 2.5 सेंट्रल, 12% है 6% स्टेट, 6% सेंट्रल, 18% है 9.9%, कभी देखना बिल, हाँ या ना। तो इसमें बेटा 50% इज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सीजीएसटी बोलना है, क्या बोलना है बेटा, सीजीएसटी, और 50% कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, इसको क्या बोलोगे बच्चा लोग, एजीएसटी, क्या बोलोगे, एजीएसटी, बराबर है। अब बेटा दूसरा एग्जांपल, ए ऑफ पुणे सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ, ए ऑफ पुणे सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ जयपुर। अब बेटा जयपुर महाराष्ट्र में है क्या, जयसिंहपुर है, जयपुर नहीं है, तो जयपुर कहां पे है, जनरल नॉलेज, राजस्थान। तो बेटा अभी ये सेल विद इन महाराष्ट्र हुआ या वन स्टेट टू अनदर, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटर स्टेट सेल, क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल। तो इसका बेटा पूरा का पूरा 100% आईजीएसटी में जाता है, कहां पे जाता है बेटा, आईजीएसटी, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, व्हाट इज आई, इंटीग्रेटेड, ठीक है, या आप बोलो इंटर स्टेट, कुछ भी बोलो पर इंटीग्रेटेड। इधर सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, ये स्टैंड फॉर स्टेट। अब बेटा तीसरा एग्जाम्पल, ए ऑफ पुणे सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ नेपाल, नेपाल वाले को गुड्स बेचा, अभी नेपाल इंडिया में क्या बाहर है, तो इस पे बेटा नो जीएसटी, इस पे जीएसटी नहीं लगता, इज दिस क्लियर, हाँ या ना। इस पे क्या लगता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कस्टम ड्यूटी लगती है, पर हमको अभी सिर्फ क्या सीखना है, जीएसटी, यहां तक क्लियर है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं, यहां तक सबको समझा क्या, पहले बोलो राइट बेटा। आप जब भी आप परचेस करोगे, जीएसटी को नाम देना इनपुट, क्या नाम दोगे बेटा, इनपुट, जैसे समझो बेटा इंट्रा स्टेट सेल रहा तो आप उसको बोलोगे इनपुट सीजीएसटी, और बोलो इनपुट एजीएसटी, वेरी गुड। और अगर इंटर स्टेट सेल रहा तो डिवाइड हो गया, एक ही रहेगा, तो उसको नाम क्या दोगे बेटा, इनपुट क्या, आईजीएसटी। इजी है एकदम, हाँ या ना, बोलो सब लोग, बोलो रे भाई, समझा, इनपुट कैसे याद रखे सर, बहुत इजी है, परचेस करते हो गुड्स आता है या जाता है, आता है यानी क्या, इनपुट, वेरी इजी। वैसे ही अब आप दिमाग लगाओ बेटा, सेल्स पे क्या करोगे, बोलो एक नंबर, आपका लॉजिकल ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, क्या बोलोगे बेटा, आउटपुट। अब बताओ अगर इंट्रा रहेगा तो क्या नाम दोगे, आउटपुट सीजीएसटी, वेरी गुड, और आउटपुट एजीएसटी, आगे बोलो बेटा, आउटपुट आईजीएसटी, एकच नंबर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, ठीक है। एक सेकंड, जरा इसको डेकोरेशन कर देते हम लोग, अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ध्यान से देखना सब लोग। अब बेटा परचेस के वैसा परचेस रिटर्न भी होगा कि नहीं, जैसे समझो कोई गुड्स खराब आ गया या कोई गुड्स क्या की ज्यादा आ गया, तो हम वापस कर सकते हैं कि नहीं, कि बिजनेस में आ गया कि रख लेना होता है, वापस भी कर सकते हो ना, तो परचेस का अपोजिट वर्ड क्या है बेटा, परचेस रिटर्न, क्या वर्ड है बोलो बेटा, परचेस रिटर्न। फिर वैसे ही बेटा सेल्स का अपोजिट वर्ड क्या रहेगा, कस्टमर भी आपके मुंह पे फेंक सकता है ना। अब यहां पे ट्विस्ट है और ये मैक्सिमम प्रोफेसर को भी नहीं पता ये कैसा सिखाना है, तो बेटा आप लॉजिकली बोलो, अगर परचेस को मैं जीएसटी इनपुट बोल रहा हूं तो परचेस रिटर्न को क्या बोलना चाहिए, बोलो, देखो ना इनपुट बोला ना मैंने, इनपुट शब्द यूज क्यों किया, गुड्स वापस आ रहा है, अब मैं मेरे सप्लायर को गुड्स वापस कर रहा हूं तो गुड्स कम्स इन और गोज आउट, तो मैंने क्या बोलना चाहिए, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट, बहुत अच्छे। वैसे ही बेटा सेल्स रिटर्न यानी आप मुझे वापस कर रहे हो,
तो गुड्स मेरे लिए आ रहा है या जा रहा है, तो मैंने आउटपुट बोलना चाहिए इनपुट, पर इसको भी इनपुट ही बोलते हैं और इसको भी आउटपुट ही बोलते हैं। बोल तो भरे ही चीजें अपोजिट हो रही है, पर नाम उसका क्या दिया जाता है, सेम दिया जाता है। उसका लॉजिक है, वो जीएसटी कैलकुलेशन में आपको समझेगा। तो लॉजिकली इस पे वो गुड्स कम्स इन गोज आउट का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। परचेस को क्या वर्ड यूज किया है, तो परचेस रिटर्न को भी क्या करोगे। सेल्स को क्या वर्ड यूज किया है, तो सेल्स रिटर्न को भी क्या यूज करोगे। इज दिस क्लियर। अब मैं एक लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, ये आपको समझेगा नहीं अभी क्योंकि मैंने डेबिट क्रेडिट सिखाया नहीं, जस्ट यहां पे लिख लेना ये ले और एक कॉलम बना के, ये अभी समझेगा नहीं, ये आपको कल समझाऊंगा मैं, खाली लिख लेना यहां पे। देखो यहां पे ये जो परचेस वाला है ये हमेशा डेबिट होता है, और ये रिटर्न वाला जो है ये हमेशा क्रेडिट होता है, और ये हमेशा क्रेडिट होता है और ये डेबिट होता है। ये अभी मत सोचो उतना, खाली जस्ट लिख लो। कैसे लगा बताओ ये सब, थोड़ा थोड़ा समझा क्या बेटा कि बाउंस गया, समझा। देखो मैं एकदम क्लियर करता हूं, परचेस को हमेशा क्या बोलोगे, इनपुट, तो सेल्स को भी इनपुट, सॉरी सेल्स को क्या बोलोगे, आउटपुट, और परचेस को इनपुट बोला तो परचेस रिटर्न को भी इनपुट ही बोलना है, सेल्स को आउटपुट बोला तो सेल्स रिटर्न को भी क्या बोलना है, आउटपुट। जब विद इन स्टेट सेल होगा तो जीएसटी कितने पार्ट में डिवाइड होगा, बोलो, दो पार्ट। क्या नाम दोगे उसको, एजीएसटी और सीजीएसटी, और वन स्टेट टू अनदर होगा तो आईजीएसटी, और एक्सपोर्ट होगा तो नो जीएसटी। वेरी गुड, पहले ये लिखो सब लोग, ऑनलाइन वालों अच्छे से लिखो, ये आपके किताब में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, आपको प्रॉब्लम के समय बहुत काम में आएगा। 10 एंट्री में से 4 एंट्री जीएसटी की होती है, 20 में से 8 मार्क। अभी पहले ही दिन पूरा नहीं समझेगा बेटा, पहले ही दिन समझ जाएगा तो मुझे अकाउंट कैसे सिखाऊंगा, मेरा घर कैसे चलेगा। यूनियन टेरिटरी फार चांगला प्रश्न, त्याला यूटी जीएसटी म्हणतात बेटा, यूटी जीएसटी। आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये येत नाही युनियन टेरिटरी, जसं चंदीगड आहे, हा, तर दॅट इज युनियन टेरिटरी, तर तिथे यूटी जीएसटी असतं। दिल्ली आहे, यूटी जीएसटी, हा, ते त्यांच्याकडून जाऊन इकडे येतो परत। आपके कोई फ्रेंड आहे तो जॉईन करणे को बोल लो, क्योंकि कॉलेज कब सुरू होगा, अभी तक डेट आई आहे क्या, नहीं आई है, 8 बोल रहे हैं, ठीक है, जब भी चालू हो जाए कॉलेज की इच्छा, लेकिन हमको तो अभी अब नहीं रुकते आएगा, अभी कल से तो अपने प्रॉब्लम भी चालू हो जाएगा न्यूमेरिकल्स, तो अच्छे से अटेंड करो भाई, और कोई फ्रेंड फ्रेंडी है उसको बोलो, बाद में नहीं सिखाऊंगा मैं ये। अच्छे से लिखो सब लोग, ऑनलाइन वाले लिख रहे हो बेटा, वो ऑनलाइन वालों लिख रहे हो क्या, बुक्स बेटा कल हो जाएंगे कुरियर, आप आपका एड्रेस भेज दो ऑफिस क्या है इस पे बेटा, एड्रेस नाम और नंबर। आपको अगर सेल के टाइप समझे ना सबको, इंट्रा स्टेट यानी विद इन महाराष्ट्र, इंटर यानी वन स्टेट टू अनादर, एंड वन कंट्री टू अनादर इज एक्सपोर्ट। इंट्रा का जीएसटी आधा आधा बांटा जाता है, इंटर में पूरा का पूरा आईजीएसटी और एक्सपोर्ट पे नो जीएसटी। फिर जब आप परचेस करोगे तो उसको नाम इनपुट जीएसटी होता है, सेल करोगे तो आउटपुट होता है, पर परचेस रिटर्न को भी इनपुट ही होता है और सेल्स रिटर्न को भी आउटपुट ही होता है, ठीक है। ये लिख लिया ऊपर का एग्जांपल सबने लिखा क्या, अब बेटा सब लोग ये टेबल कर लो अच्छे से एकदम, बस कल वापस से जब हम शुरू करेंगे तो यही सिखाऊंगा वापस कल। ऑनलाइन वालों आपका अटेंडेंस होना बाकी है, अभी मैम ले लेंगे,
पूरा अच्छे से लिख के फिर जाओ, ऐसा टेबल कहीं पे भी नहीं। प्रॉब्लम में 8 मार्क मिलते हैं 20 में से, ठीक है। चला, सकाळी सातारा रोडला बॅच असते 8 ते 9, सोमवार मंगळवार बुधवार। ती ऑनलाईन नसते आणि ही ऑफलाईन असते। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगू, गुजराती कशी काही कळतं मला, तुम्ही फक्त डाऊट विचारा। सो दिस इज 9:15 to 10:15, और इसके पहले मैथ्स होता है। आपके बाकी फ्रेंड्स को भी बोलो अटेंड करने को, और यूट्यूब पे लेक्चर 2-3 घंटे में अपलोड हो जाएगा, तो कल आने के पहले देखना, तो कल का लेक्चर बहुत अच्छा समझेगा। मैंने इनके रील्स भी बनाए 1-1 मिनट के रिवीजन के, अगर देखना है तो। वो परचेस के नीचे ऑरेंज, इसमें परचेस रिटर्न लिखा है, सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न लिखा है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वालों अच्छे से लिख लो, देन यू कैन लीव। अभी इमिजिएटली लीव मत हो, अच्छे से लिख लो पहले, होते ही जा सकते हो बेटा।